ब्यास से गैंग का एक और मामला सामने आया है। ब्यास से पैसों का लालच देकर लाखों रुपए हड़प लिए। शहर के पप्पू अवस्थी का एक और मामला सामने आया है। पप्पू गैंग नकली नोट की कालाबाजारी के साथ धोखाधड़ी का भी काम करती थी। शहर के व्यापारी मुकेश गांधी भी पप्पू गैंग के शिकार हुए हैं। वीसीएन से बात करते हुए मुकेश गांधी ने बताया कि उन्हें साल 2018 में कपड़े का बिजनेस करना था, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए उनके दोस्त गांधी को पप्पू अवस्थी से मुलाकात करा दी। गांधी ने व्यापार शुरू करने के लिए 2 करोड़ व्यास पर मांगे। अवस्थी ने कहा मगर 2 करोड़ के 10% एडवांस में मांगे। पैसों की जरूरत के कारण गांधी ने 20 लाख रुपए दे दिए। 20 लाख देने के बाद भी अवस्थी 2 करोड़ देने के लिए आनाकानी करने लगा। एक दिन फोन कर अवस्थी ने गांधी से घर की रजिस्ट्री के नाम से 21 लाख रुपए और ऐड लिए। गांधी ने अवस्थी को कुल 41 लाख रुपए दिए थे मगर इसके बाद भी अवस्थी को 2 करोड़ रुपए नहीं दिए। हताश होकर गांधी ने अवस्थी को अपने पैसों की मांग करने लगा। अवस्थी ने पैसे तो नहीं दिए, ऊपर से पिस्तौल की नोक पर धमकाने लगा। साथ ही पूरे परिवार को मार डालने की उसने धमकी दी। घबराए गांधी ने आखिरकार नंदन थाने में पप्पू अवस्थी के साथ उसकी पत्नी और बेटे के नाम पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अवस्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर अवस्थी की तलाश कर रही है। ये मामला ऐसा है, मुझे कपड़े का दुकान डालना था जिसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। तब मुझे किसी ने पप्पू अवस्थी से मिलाया था, क्या ये ब्याज से पैसे देते करके। तो पप्पू अवस्थी के साथ मेरी बातचीत चालू थी। ऐसी बातचीत चालू होते होते हफ्ते 15 दिन में उनको मैंने बोला कि मेरे को कपड़े का दुकान डालना है तो 2 करोड़ रुपये चाहिए करके। तो उन्होंने बोला मैं देता हूँ 2 करोड़ रुपये आपको ब्याज से, लेकिन वो ब्याज जो है 10% मेरे को एडवांस लगेगा करके। तो मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनको कहीं से अरेंज करके उनके अकाउंट में, उनके मिसेस के अकाउंट में पैसे डाले 20 लाख रुपए। उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ दिन रुकने को बोला, क्या पैसे आ जाएंगे तो आपको दे देता हूँ करके। उसके बाद वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने बोला कि मेरे घर की रजिस्ट्री है, मैंने नया घर खरीदा है, तो मुझे 21 लाख रुपये आप दे दो, मैं कुछ दिन में आपको पैसे देने ही वाला हूँ, तो वो 21 लाख भी वापस कर दूँगा करके। वो 21 लाख रुपए भी मैंने कहीं से जुगाड़ करके दिया। तो उसके बाद उन्होंने टाल मटोल करना चालू किया। फिर एक दिन उन्होंने बोला आ जाओ तुमको 2 करोड़ रुपए देता हूँ। तो मुझे नंदनवन रिलायंस फ्रेश के पास बुलाया। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने गाड़ी में बैठाया मेरे को 40-10 गाड़ी में। उनका लड़का भी उनके साथ था, आशु अवस्थी, एक और कोई उनके साथ था जिसका नाम मैं नहीं जानता था, अभी पता चला है। तो इन्होंने गन दिखा के मेरे को गाड़ी में बैठाया और ये मेरे को सावनेर बाईपास पे लेके गए। सावनेर बाईपास पे जाते वक्त भी मेरे को मारे इन्होंने कि कहीं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करना, कहीं जाना नहीं, किसी को बोलना नहीं, नहीं तो तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। उसके वाइफ ने भी मेरे वाइफ को बहुत सारी चीज़ें बोली। उसके बाद मुझे वहाँ पर 2 घंटे रखा, 8-8:30 बजे के बीच में मुझे वहाँ छोड़ा उन्होंने। फिर से मेरे को गन दिखाया, बोले तूने किसी के भी पास गया, कंप्लेंट किया, कुछ भी किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा करके। हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता इस शहर में, हम किसी को भी खरीद सकते हैं करके। फिर वहाँ से मैं ट्रक की लिफ्ट लेके नागपुर पहुँचा। मैंने अपना सारा वाक्यात अपने पत्नी को बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। पत्नी ने बोला कुछ करो मत करके, जान दो अपन बाल बच्चे वाले, छोटे बच्चे अपने, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर अभी पेपर में जब आया तो कुछ हिम्मत किया, फिर DCP साहब से मिला, नरुल हसन साहब से, फिर उन्होंने सहकार्य करके मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई और सारा डिपार्टमेंट आज सपोर्ट कर रहा है मुझे। मुकेश गांधी आहे वडकेश्वरच्या हद्दीमध्ये राहतात, ते कपड्याचे व्यापारी आहे। त्यांना व्यवसायासाठी 2 करोडची आवश्यकता असल्याने त्यांच्या मित्राने सांगितले की पप्पू अवस्थी, पप्पू उर्फ प्रमोद अवस्थी हे व्याजाने पैसे देतात। त्याची ओळख करून दिल्यानंतर त्यांनी सांगितले की मी 2 करोड रुपये देतो पण मला व्याजाचे पैसे पूर्ण लागेल 21 लाख रुपये। त्यानंतर त्यांनी 20 लाख रुपये त्याच्या मिसेसच्या अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर केले आणि त्याला पैसे घेण्यासाठी बोलवलं। त्या दरम्यान त्यांनी परत तिथे नेहमीप्रमाणे पोलिसची गाडी आली आणि हे लोक त्याला आता पोलिसची गाडी तू निघून जा म्हणून घेऊन गेले। त्यानंतर त्यांनी परत त्याशी संपर्क साधला असता की त्याऐवजी पोलिसची गाडी आल्यामुळे मी पैसे देऊ शकतो, तुला आता माझ्याकडे काही पैसे नाही, तू मला परत 21 लाख रुपये दे, म्हणजे टोटल व्याजाचे पैसे पूर्ण होतात, त्यानंतर मी तुला 2 करोड रुपये देईल।
अशा प्रकार त्याच्याकडून 21 लाख रुपये त्याच्या बायकोच्या अकाउंटमध्ये, पप्पू अवस्थीची बायको आहे पद्मा अवस्थीच्या अकाउंटमध्ये त्याने ट्रान्सफर केले. त्यानंतरसुद्धा यांनी व्याजाचे पैसे काय त्याला कर्जाचे पैसे त्याला दिले नाही, तेव्हा त्या वारंवार त्याला पैशाची मागणी करत असता 2019 पप्पू अवस्थी आणि त्याचा मुलगा अशोक अवस्थी त्याच्या निर्मल नगर येथील दुकानात गेले. तिथे त्याला बंदूक दाखवून पिस्तॉल दाखवून त्याला जबरदस्तीने गाडीमध्ये बसवून. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर.